देखिए मेरे बच्चे एक सवाल पूछा गया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस ई स्क्वायर, वो तो आपसे पूछा गया सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या हो, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान ये है, तो देखो ये आइडेंटिटी होती है वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर वन होता है, आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पर वन प्लस टेन लगाते हैं, वन प्लस वन इधर आते हैं तो माइनस वन हो जाता है, तो हम दोनों साइड एक जोड़ देते हैं, क्या एक इधर भी जोड़ देते हैं और एक इधर भी जोड़ देते हैं। तो देखो ये जो वन प्लस टेन स्क्वायर है ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, और वन और वन ये हो जाता है टू माइनस ई स्क्वायर। तो देखिए sec स्क्वायर का मान मालूम हो गया, तो sec का मान अगर निकालना हो तो वर्ग उधर जाके वर्गमूल बन जाता है, या पावर दो उधर जाके पावर एक बटे दो हो जाती है, तो ये हमारा sec का मान आ गया। किसका मान? अब यार ऐसा कुछ पूछा है तो इसे थोड़ा हल करते हैं। तो जैसे ठीक है sec थीटा तो ठीक है, tan क्यूब को मैं लिख सकता हूँ sin क्यूब और बटे cos क्यूब, और cosec को लिख सकता हूँ 1 बाई sin। देखो ये साइन और ये साइन क्यूब एक घात घट जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस क्यूब थीटा। एक बात और, कॉस क्यूब को मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ताकि ये वैल्यू जो है साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर वापस हो जाएगा टेन स्क्वायर, क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा वन बाई कास। तो वन बाई कास को मैं इंटू सेक लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, वन बाई कास को लिख सकता हूं मैं सेक थीटा, क्या। अब देखो यहां भी सेक है यहां भी सेक है, तो मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो बचा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है अगेन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें मालूम है क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो sec की पावर वन इंटू sec स्क्वायर ये हो गया sec क्यूब थीटा, यानी हमें इसका मान निकालना है, जबकि हमें किसका मान मालूम है sec का। तो आप बोथ साइड क्यूब कर देंगे, बेसिक कर देंगे बोथ साइड क्यूब, तो क्या हो जाएगा sec क्यूब, और इधर जब क्यूब करेंगे बच्चों तो 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर एक बटे दो है, जब क्यूब करेंगे तो आपको मालूम है घातों का ए की पावर एम की होल पावर एट इनका गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर वन बाई टू इंटू थ्री यानी थ्री बाई टू। ये sec क्यूब का यानी जो सवाल दिया गया था पहले उसे हल किया, और ये भी कुछ जानकारी थी दोनों साइड एक ऐड किया, तो ये हमारा आंसर आ गया टू माइनस ई स्क्वायर, तो टू माइनस ई स्क्वायर की पावर तीन बटे दो, तो उत्तर क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा।